आप सबों को मेरा नमस्ते। ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन इस कोर्स में आप सबों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम ये बात करना चाहते हैं कि संपृक्तता की अभिव्यक्ति मानव के संपूर्ण जीने में किस तरह से दिखाई देती है। यानी संपृक्तता को जब हम ठीक ठीक समझते हैं तो वो मानव के पूरे जीने में किस तरह से अभिव्यक्त होता है। उसके पहले थोड़ा जहाँ तक हम लोगों ने बात किया था उसको थोड़ा रिकैप कर लें। हम लोगों ने इस बात को शुरू किया था कि अस्तित्व को देखें तो सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में नित्य वर्तमान है। तो दो प्रकार की वास्तविकताओं को हमने अस्तित्व में पहचाना, एक व्यापक या सत्ता और दूसरा प्रकृति यानी इकाइयों का समूह। इन दोनों के कुछ अंतर को भी हमने समझने का काम किया था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इन दोनों का जो अंतर संबंध है, ये दोनों आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, उसको समझने का काम किया था और ये कहा था कि संपृक्तता इन दोनों के अंतर संबंध को बताती है। तो प्रकृति और व्यापक ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अविभाज्य रूप से अलग नहीं हो सकते कभी भी। इकाई जब कभी भी होती है, जहाँ कहीं भी होती है, व्यापक के सहअस्तित्व में ही होती है, साथ ही होती है। ये बात भी हम लोगों ने पिछली कक्षा में समझा था कि चूंकि व्यापक वस्तु सर्वत्र विद्यमान है, उसका होना सभी जगहों पर है, इसीलिए किसी एक इकाई के परिप्रेक्ष्य में जब उसको देखने जाते हैं तो उस इकाई के अंदर भी व्यापक का होना है, उस इकाई के बाहर भी व्यापक का होना है और उस इकाई की सीमा पर भी इसका होना है। तो इसी को दूसरे शब्दों में कहा कि ये प्रकृति को अगर देखेंगे तो सत्ता में डूबी हुई है, घिरी हुई है और भीगी हुई है। इस डूबे होने, भीगे होने और घिरे होने को हम लोगों ने एक साथ संपृक्त होने से इंगित किया था और इस बात पर भी हम लोगों ने ध्यानाकर्षण किया था कि प्रकृति में इकाई जहाँ कहीं भी होती है, इस अस्तित्व में प्रकृति की कोई भी इकाई जहाँ कहीं भी होती है, उसमें किसी न किसी प्रकार की क्रिया होती ही रहती है। इस रूप में ऊर्जा संपन्नता उसमें बनी ही रहती है। साथ ही इकाई का स्वयं में व्यवस्थित होना, नियंत्रित होना दिखाई देता है और परस्परता में दूसरी इकाइयों के साथ संबंध को पहचानना, निर्वाह करना, इस आधार पर अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार होना और अंततोगत्वा समग्र व्यवस्था में, इस पूरे अस्तित्व की व्यवस्था में भागीदार होना, ऐसा दिखाई देता है। चूंकि इकाई अपनी मूल क्रियाशीलता के लिए, मूल ऊर्जा संपन्नता के लिए किसी दूसरी इकाई पर निर्भर नहीं है, बल्कि व्यापक के सहअस्तित्व में रहते हुए उस क्रिया करने की क्षमता से संपन्न है ही, इस रूप में वो ऊर्जा संपन्न है ही, इसलिए व्यापक वस्तु को साम्य ऊर्जा के रूप में, समान रूप से उपलब्ध ऊर्जा के रूप में पहचाना गया है। आज हम लोग ये समझना चाहते कि चूंकि मानव भी इसी प्रकृति का एक अविभाज्य भाग है, इसी प्रकृति की एक इकाई मानव भी है, इसलिए ये संपृक्तता मानव में किस तरह से अभिव्यक्त होती है उसको हम लोग आज समझना चाहते। तो मानव को देखें तो मानव इस प्रकृति का एक अविभाज्य हिस्सा है। समझना, समझ करके जीना इसकी मूलभूत प्रवृत्ति है। मानव संतान में समझने की जिज्ञासा दिखाई देती ही है। उसके लिए मनुष्य कुछ न कुछ प्रयास करता ही रहता है और इस समझने की क्षमता, इसकी संभावना तो हम में से हर मनुष्य में है ही। ध्यान से देखेंगे तो ये दिखता है कि ये समझना मानव की मूलभूत ज़रूरत है, क्योंकि समझ के बिना जब सिर्फ हम मान करके मान्यताओं के आधार पर जी रहे होते हैं तो हम ये तय नहीं कर सकते कि ये मान्यता सही है या नहीं है। चूंकि उन मान्यताओं के सही होने या नहीं होने को हम आधिकारिक तौर से तय नहीं कर पाते, इसलिए अगर वो मान्यताएं गलत हो जाती हैं तो इस आधार पर हमारा जीना भी अव्यवस्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार शुभ की चाहना होते हुए भी, अच्छा चाहते हुए भी, अच्छी कामना होते हुए भी, समझ के अभाव में हम वैसा खुद नहीं जी पाते, इस रूप में स्वयं में अतृप्त रहते हैं, दुखी रहते हैं और परस्परता में भी कई प्रकार की समस्याओं का कारण बनते हैं।
तो मानव के अगर संपूर्ण जीने को देखें तो मानव के जीने के चार आयाम दिखते हैं, अनुभव या समझ का आयाम, विचार का आयाम, व्यवहार का आयाम और चौथा व्यवसाय या कार्य का आयाम। हम में से हर मानव के जीने को देखेंगे तो उसको इस चार भाग में बांटा जा सकता है। अनुभव या समझ के आयाम का मतलब है वास्तविकताओं को ठीक ठीक देख पाना, समझ पाना, यानी वस्तु जैसी है उसको वैसा ही देख पाना, समझ पाना, ये अनुभव के आयाम में उपलब्धि का, गति होने का तात्पर्य है। तो जितना जितना इस आयाम में, इस समझ के आयाम में हम जितना जितना गति करते हैं, उतना उतना वस्तु क्या है इसका उत्तर हम ठीक ठीक अपने में देख पाते हैं। जैसे ये अस्तित्व क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये मानव क्या है, ये जीव जगत क्या है, संपृक्तता क्या है, ये जो सारे प्रश्नों का उत्तर देखेंगे तो अनुभव के आयाम में गति करते हुए हमें इन प्रश्नों का उत्तर अपने में मिल पाता है। तो वास्तविकताएं क्या हैं इसको अपने में ठीक ठीक देख पाने को समझ संपन्न होने या अनुभव संपन्न होने के रूप में पहचाना है। अभी अगर हम लोग अपनी स्थिति को देखें तो ये दिखता है कि कुछ वास्तविकताओं को हमने ठीक ठीक समझा है, लेकिन इसके साथ साथ कई सारी वास्तविकताएं ऐसी भी हैं जिसको जाने अनजाने हमने स्वीकार लिया है। खास करके ये स्वीकारना तब अधिक हो जाता है जब प्रचलन में, समाज में वो मान्यताएं प्रभावी तौर से प्रचलित हों। ऐसी स्थिति में जाने अनजाने हम भी उन मान्यताओं को स्वीकार लेते हैं और हमारा जीना उनसे प्रभावित होने लगता है। एक बार वस्तु क्या है, वास्तविकता क्या है, इसकी हमको ठीक ठीक समझ हो जाए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि इन वास्तविकताओं को समझने के आधार पर हम अपने जीने को कैसे ठीक ठीक व्यवस्थित कर सकें और दूसरी इकाइयों के साथ अपने जीने को हम कैसे संतुलित कर सकें, सजा सकें, व्यवस्थित कर सकें। तो अपने जीने को कैसे हम व्यवस्थित कर सकें और परस्परता में दूसरों के साथ जीते हुए परिवार के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र के स्तर पर, अंतर्राष्ट्र के स्तर पर हमारा जीना कैसे व्यवस्थित हो सके, इस बात का उत्तर अपने में देख पाने को, समझ पाने को, महसूस कर पाने को विचार के आयाम के रूप में पहचाना है। तो विचार के आयाम में कैसे के प्रश्नों का उत्तर हमको प्रधान रूप से मिल पाता है कि हमें खुद में कैसे व्यवस्थित रहना है और बाकी इकाइयों के साथ कैसे व्यवस्थित होकर के जीना है, इस बात का ठीक ठीक उत्तर हमें हमारे विचार के आयाम में मिल पाता है। तो दी हुई स्थिति परिस्थिति में हमारे जीने का स्वरूप क्या हो, इसको विश्लेषण कर पाने की क्षमता संपन्न होने को विचार के आयाम के व्यवस्थित होने के रूप में पहचाना है। तो अगर अभी अपनी स्थिति को देखें तो समझ या उसके अभाव में जो भी मान्यताएं हमने स्वीकार ली होती हैं, इस आधार पर जिन बातों को भी हम अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार लेते हैं, जाने अनजाने उसको पूरा करने के अर्थ में हमारा विचार क्रियाशील होता ही है। कैसे हम उस लक्ष्य को पा सकें, इस अर्थ में हम कुछ न कुछ विचार करते ही हैं। जैसे अगर हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार लिया, नौकरी को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार लिया, धन कमाने को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार लिया, तो हमारा विचार इस अर्थ में चलता ही है कि इनको हम कैसे पा सकें, इनको हम कैसे सुनिश्चित कर सकें। अनुभव और विचार के साथ मनुष्य के जीने का तीसरा महत्वपूर्ण आयाम व्यवहार का आयाम है। व्यवहार के आयाम के व्यवस्थित हो पाने का तात्पर्य परिवार में, समाज में, अन्य मनुष्यों के साथ तृप्तिपूर्वक जी पाने से है, संबंध में निश्चित भावपूर्वक जी पाने से है। तो परस्परता में जिन भावों की हमको एक दूसरे से अपेक्षा होती है, जैसे विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, स्नेह का भाव, इन भावों को हम अपने में सुनिश्चित कर सकें और परस्परता में जीते हुए व्यक्त कर सकें, इसको सही व्यवहार के रूप में पहचाना है। ऐसे सही व्यवहार को सुनिश्चित करने से
हमारी स्वयं में तृप्ति तो होती ही है, परस्परता में दूसरों की तृप्ति के भी हम स्रोत बन पाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हमारा व्यवहार व्यवस्थित नहीं होता है तो जाने अनजाने हम खुद में भी पीड़ित होते हैं और दूसरों के लिए भी समस्या का कारण बनते हैं। तो पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर बहुत सारी समस्याओं का कारण आज के दिन हम मनुष्यों का अव्यवस्थित व्यवहार है। इसी तरह से अपने जीने के चौथे आयाम को देखें तो कार्य या व्यवसाय के रूप में समझ में आता है कि अपने क्रियाकलाप का एक भाग ये भी दिखता है कि हम शेष प्रकृति के साथ, मनुष्य के अलावा जो बाकी प्रकृति है उसके साथ श्रम पूर्वक कुछ उत्पादन क्रियाकलाप को भी हम करते हैं। और ये उत्पादन क्रियाकलाप सामान्य रूप से हम अकेले में नहीं करके अनेक मनुष्यों के साथ मिल करके करते हैं। इस उत्पादन क्रियाकलाप की उपलब्धि ये होती है कि हम अपनी भौतिक सुविधाओं को सुनिश्चित कर पाते हैं। हमारी व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर सुविधा की, संसाधनों की जो आवश्यकता होती है उन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यवसाय के आयाम के सुनिश्चित करने से ही होती है। अभी भी अगर देखेंगे तो जाने अनजाने इन चारों आयामों में हमारा जीना होता ही है। हम कहीं ना कहीं दूसरे मनुष्यों के साथ व्यवहार करते ही हैं, सही हो या गलत हो, पर व्यवहार तो होता ही है। इसी तरह से उत्पादन क्रियाकलाप में भी, शेष प्रकृति के साथ जीने में भी कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ भागीदारी करते ही हैं। और अपने अंदर सोच विचार के रूप में तो ये क्रियाएं, विश्लेषण की क्रिया, विचार की क्रिया हमारे अंदर सतत चलती ही रहती है। और अनुभव या समझ के आयाम में देखें तो या तो कुछ वास्तविकताओं को हम समझे होते हैं या उस समझ के अभाव में कुछ मान्यताओं को स्वीकृतियों के रूप में हम स्वीकार लिए होते हैं। आगे हम ये समझना चाहते हैं कि अगर मनुष्य के जीने के ये चार आयाम हैं तो इन चारों आयामों का वरीयता क्रम क्या है, इनके आपस में व्यवस्थित होने का क्रम क्या है, ये कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, इसको देखें तो ये बात समझ में आती है कि व्यवहार या व्यवसाय में हम जो कुछ भी करते हैं उसका निर्णय पहले हमारे विचार में होता है। हम आपके साथ सम्मान स्नेह के भाव से अभिव्यक्त होते हैं या अपमान द्वेष और विरोध के भाव से अभिव्यक्त होते हैं, इसका निर्णय तो पहले हमारे अंदर भाव के स्तर पर, विचार के स्तर पर ही होता है। एक बार अंदर निर्णय होता है तभी वो बाहर जीते हुए भी परस्परता में अभिव्यक्त होता है। तो ये समझ में आता है कि व्यवहार और व्यवसाय का आयाम विचार के आयाम के पीछे पीछे चलता है, उसका अनुगमन करता है। विचार के मूल में देखेंगे तो समझ होता है या समझ के अभाव में मान्यताएं होती हैं। मान्यताओं के कारण या समझ के कारण जिन चीज़ों को भी हम अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार लेते हैं, अपनी चाहना के रूप में स्वीकार लेते हैं, अपनी इच्छा के रूप में स्वीकार लेते हैं, फिर वही हमारे विचार का, विश्लेषण का आधार बन जाता है। तो समझ के आधार पर विचार, समझ और विचार के आधार पर व्यवहार, समझ विचार और व्यवहार के आधार पर कार्य या व्यवसाय, ये इनके व्यवस्थित होने का स्वरूप दिखाई देता। हम वास्तविकताओं को ठीक ठीक समझते हैं, देखते हैं तो हम अपने लक्ष्य को ठीक तय कर पाते और उस लक्ष्य को पूरा करने के अर्थ में हमारा विश्लेषण क्रियाकलाप सतत ढंग से चलता है। उसी तरह से एक बार विचार में हम सही निर्णय लेते हैं तो दूसरे मनुष्य के साथ जीने में, व्यवहार में व्यक्त हो पाते हैं और शेष प्रकृति के साथ जीने में कार्य के रूप में, व्यवसाय के रूप में व्यक्त हो पाते हैं। ये बात भी समझ में आती है कि इस कार्य या व्यवसाय के ठीक ढंग से कर पाने के लिए हमारा परस्परता का व्यवहार व्यवस्थित होना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर समय उत्पादन क्रियाकलाप को हम कई मनुष्य मिल करके एक टीम के रूप में साथ साथ मिल करके किया करते हैं। तो अगर परस्परता में, संबंध में हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार ठीक नहीं हो तो उत्पादन को भी, कार्य को भी हम ठीक ढंग से व्यवस्थित होके नहीं कर पाते। तो इनके अंतर संबंध को अगर देखें
तो अनुभव के आधार पर विचार, अनुभव और विचार के आधार पर व्यवहार, और अनुभव विचार और व्यवहार के आधार पर व्यवसाय, ये इनके व्यवस्थित होने का स्वरूप समझ में आता है। ऐसे व्यवस्थित होने को ही क्रमशः सत्य में अनुभव, विचार में समाधान, व्यवहार में न्याय और व्यवसाय में कार्य में नियम के रूप में पहचाना गया है। तो मनुष्य के जो ये चारों आयाम हैं, इस चारों आयाम के व्यवस्थित होने को क्रमशः सत्य में अनुभव, विचार में समाधान, व्यवहार में न्याय और व्यवसाय में नियम के रूप में पहचाना गया है। नियम का तात्पर्य प्रकृति की विभिन्न इकाइयों के बीच परस्पर पूरकता के संबंध को पहचान पाने से। इस परस्पर पूरकता के संबंध को पहचान करके जब हम उत्पादन क्रियाकलाप को करते हैं तो उसकी उपलब्धि के रूप में हमें भी अपनी आवश्यकता से अधिक सुविधा मिल पाती है और प्रकृति की बाकी इकाइयों के लिए भी हम पूरक हो पाते हैं, सहयोगी हो पाते हैं, उसका संवर्धन करने में, उसके इनरिचमेंट में अपनी भागीदारी का निर्वाह कर पाते। वहीं दूसरी ओर अगर नियम को समझे बिना जब हम उत्पादन क्रियाकलाप को करने जाते हैं तो कई बार हम अपनी आवश्यकता की सुविधाओं के भी इंतजाम को नहीं कर पाते, और बहुत बार ऐसा दिखता है कि उस उत्पादन के क्रम में प्रकृति की विभिन्न इकाइयों को हम किसी न किसी रूप में क्षतिग्रस्त कर देते हैं। तो आज के दिन अगर प्रदूषण की समस्याओं को देखें, संसाधन अभाव की, रिसोर्स डिप्लीशन की समस्याओं को देखें, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को देखें, हवा पानी मिट्टी के प्रदूषित होने जैसी समस्याओं को देखें, तो ये प्रकृति के नियमों को समझे बिना किए गए उत्पादन या कार्य क्रियाकलाप का प्रतिफल है। उसी तरह से परस्परता में न्यायपूर्ण व्यवहार को अगर देखने जाएं, तो उसका पहचान ये है कि हम एक दूसरे के साथ आश्वस्तिपूर्वक जी पाते हैं। विश्वास, सम्मान, स्नेह, इन अपेक्षित भावों को अपने में सुनिश्चित करते हुए आचरण में उसको अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो अपने में विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, ये जो परस्परता में एक दूसरे से अपेक्षित मूल्य हैं, भाव हैं, जिनकी हमको एक दूसरे से अपेक्षा होती है, चाहना होती है, उन भावों को ठीक ठीक अपने में समझ पाना और जीते हुए परस्परता में अभिव्यक्त कर पाना, इसको न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में पहचाना है। इस न्यायपूर्ण व्यवहार की उपलब्धि के रूप में हम दोनों ही तृप्तिपूर्वक जी पाते हैं और परिवार के रूप में, समाज के रूप में अखंडता आ पाती है। इसके अभाव में जाने अनजाने हमारा परिवार खंडों में बट जाता है, हमारा समाज अलग अलग खंडों में बट जाता है और उसकी पीड़ा, उसके दुख को कहीं ना कहीं हम झेलते ही रहते हैं। तो आज के दिन अगर देखेंगे तो परस्परता में न्यायपूर्ण व्यवहार के अभाव के कारण हम भयग्रस्त हैं, समस्याग्रस्त हैं। अपनी पारिवारिक जिंदगी को देखें, अपनी सामाजिक जिंदगी को देखें, दो राष्ट्रों की परस्परता में भी देखें, तो इस न्यायपूर्ण व्यवहार के अभाव के कारण युद्ध जैसी समस्याएं, विरोध जैसी समस्याएं दिखाई देती। इसी तरह से विचार में समाधान का तात्पर्य वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने लक्ष्य के रूप में जिन चीज़ों को भी स्वीकारा है उसके अर्थ में हर स्थिति परिस्थिति में कैसे जीना है, इस बात का उत्तर अपने पास होने को विचार में समाधान कहा है। कि वास्तविकताओं को जैसा भी हमने समझा है इसके आधार पर अपने लक्ष्य को पहचान करके हर स्थिति परिस्थिति में हम ठीक ढंग से कैसे जी सकें, इस बात का उत्तर अपने पास होने को विचार में समाधान नाम दिया है। विचार में समाधान होने से हमारे अंदर शांति बनी रहती है, संगीतमयता की स्थिति बनी रहती है, तथा हम दूसरे को भी समाधानित होने में, समस्या से बाहर निकलने में सहयोग कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब भी विचार में समाधान का अभाव होता है तो हम अपने अंदर ही अंतर विरोध से उलझे हुए होते हैं, समस्याग्रस्त होते हैं, अशांत होते हैं। इसी तरह से सत्य में अनुभव का तात्पर्य
वास्तविकताएं जैसी हैं, प्रकृति के नियम जैसे हैं, उन वास्तविकताओं को, उन नियमों को ठीक ठीक समझ पाने से, देख पाने से। तो सत्य में अनुभव की उपलब्धि यह है कि प्रकृति की एक एक वास्तविकता के प्रति, अस्तित्व की एक एक वास्तविकता के प्रति हम निर्भ्रम होते हैं, उसको हम ठीक ठीक अपने में देख पाते हैं। तो सत्य में अनुभव की उपलब्धि यह है कि हमारे अंदर सभी प्रकार के भ्रमों का पूरी तरह से अभाव हो जाता है। तो ये नियम, न्याय, धर्म और सत्य, या नियम, न्याय, समाधान और सत्य, इन चारों आयामों के समझने के आधार पर ही हमारा जीना व्यवस्थित होता है। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा है कि मानव के लिए नियम, न्याय, समाधान और सत्य को स्वयं में सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। स्वयं में सुनिश्चित करने का तात्पर्य इनको समझने से और इस अर्थ में जीने से है। ऐसे जीते हुए मनुष्य को ही हम जागृत मनुष्य या समझदार मनुष्य के रूप में पहचानते हैं। इसको जागृत इस अर्थ में कहा है कि अस्तित्व में वास्तविकताएं तो वैसी ही रहती हैं, चाहे हम समझें चाहे हम ना समझें। जब तक हमने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को नहीं समझा था, तब भी ये नियम अस्तित्व में वैसे ही थे और वैसे ही काम कर रहे थे जैसे कि आज कर रहे हैं। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि समझ के अभाव में ये सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी, सार्वकालिक होते हुए भी हमारे जीने में नहीं आ पाते, हमारे प्रयोग व्यवहार में नहीं आ पाते। तो जब तक हमने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को समझने का काम नहीं किया था, तब तक सैटेलाइट बना पाना और उसको चांद तक, मंगल तक भेज पाना ये कल्पना से परे की बात थी। तो इन नियमों को, न्याय को, समाधान को और सत्य को समझने की उपलब्धि यह है कि इस आधार पर हमारा अपना जीना, सर्व मानव का जीना व्यवस्थित हो पाता है, संतुलित हो पाता है। तो इस संपृक्तता की अभिव्यक्ति को अगर मानव में देखने जाएं, तो ये दिखता है कि समझ के अभाव में भी हमारे अंदर हम मान्यताओं के रूप में कुछ न कुछ चीज़ों को स्वीकार लेते हैं और उसी के अर्थ में इच्छा, विचार जैसी क्रियाएं हमारे अंदर सतत रूप में चलती रहती। इस रूप में हम क्रियाशील रहते हैं, ऊर्जा संपन्न रहते हैं। लेकिन समझ के अभाव में जब तक ये इच्छा की क्रिया, विचार की क्रिया हमारे अंदर चलती रहती है, तब तक ये कहना मुश्किल है कि वो क्रियाएं सही के अर्थ में चल रही हैं या अंतर विरोध और समस्या के अर्थ में चल रही है। बल्कि समझ के अभाव में ये दिखता है कि हम स्वयं में भी पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाते और समग्र व्यवस्था में भी ठीक ठीक भागीदारी नहीं कर पाते। तो अगर मानव के व्यवस्थित होने के स्वरूप को देखें, तो व्यवस्थित होने की चाहना तो हमारी है, लेकिन जितना जितना हम वास्तविकताओं को समझे होते हैं, उतना उतना ही हम अपने जीने को व्यवस्थित कर पाते हैं। जहाँ जहाँ हमने वास्तविकताओं को ठीक ठीक समझा नहीं है, सिर्फ मान्यताओं के आधार पर अपने जीने को चला रहे हैं, वहाँ वहाँ हमारा व्यवस्थित होना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से ये बात भी दिखती है कि परस्परता में संबंध को कुछ अर्थों में पहचानने और निर्वाह करने का काम हम करते ही हैं। लेकिन अगर सही समझ पर आधारित ये पहचानना और निर्वाह करना नहीं है, तो उसी एक व्यक्ति को कभी हम मित्र संबंध के रूप में पहचानते हैं तो एक तरह से व्यवहार करते हैं, और किसी दूसरे समय में किसी कारण से हमारा विरोध हो जाए, झगड़ा हो जाए और हम उसे दुश्मन के रूप में पहचानने लगें, तो हम दूसरी तरह से व्यवहार करने लगते हैं। तो इस रूप में हमारा पहचानना, हमारा निर्वाह करना विभिन्न मान्यताओं के आधार पर अलग अलग स्थिति परिस्थिति में बदलता रहता है, बदलता रहता है। तो ये दिखता है कि संपृक्तता की अभिव्यक्ति के तहत क्रियाशील होना, इच्छा विचार की क्रियाओं का होना, अपने में नियंत्रित होने के रूप में शुभ की चाहना का होना, और परस्परता में पहचानने निर्वाह करने के रूप में जैसा भी हमने मान्यताओं के रूप में स्वीकार लिया है, वैसा पहचानने निर्वाह करने का क्रियाकलाप हर मानव में होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसका व्यवस्थित होना तो समझपूर्वक ही होता है। इसीलिए मनुष्य में संपृक्तता का संपूर्ण प्रकटन समझ की क्रिया के स्वयं में सुनिश्चित होने के आधार पर ही होता है, जिसके लिए
प्रयास करने की आवश्यकता है। यही मनुष्य का पुरुषार्थ है, यही उसके लिए करने योग्य काम है। तो जहाँ से हम लोगों ने चर्चा को शुरू किया था कि संपृक्तता की अभिव्यक्ति मानव के संपूर्ण जीने में कैसे दिखाई देती है, तो ये कहा कि मानव के जीने के चार आयाम हैं। अनुभव या समझ का आयाम, विचार का आयाम, व्यवहार का आयाम और व्यवसाय का आयाम। समझ के आधार पर, अनुभव के आधार पर विचार, समझ और विचार के आधार पर व्यवहार, समझ विचार और व्यवहार के आधार पर व्यवसाय या कार्य, यही इनके व्यवस्थित होने का स्वरूप है। और इन चारों आयामों का ठीक ठीक सुनिश्चित हो पाना ही क्रमशः सत्य में अनुभव, विचार में समाधान, व्यवहार में न्याय और व्यवसाय में नियम कहलाता है। तो इस संपृक्तता की अभिव्यक्ति मनुष्य में कुछ अंशों में दिखाई देती है और कुछ अंशों में इसकी अभिव्यक्ति समझ की क्रिया को अपने में सुनिश्चित करने के आधार पर ही हो पाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य का स्वयं में व्यवस्थित होना और समग्र व्यवस्था में व्यवस्थित ढंग से भागीदारी कर पाना, अपेक्षित भागीदारी कर पाना, ये अपने में समझ की क्रिया को सुनिश्चित करने के आधार पर ही होता है। तो अगली कक्षा के पहले ये दो बातों को हम होमवर्क के रूप में रखना चाहेंगे। एक तो ये कि अपने जीने में जांच परख करके देखें कि आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी अर्थ में ये चारों आयाम क्रियाशील हैं या नहीं, और ये चारों आयाम हमारी ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण है या हम इसमें से किसी को छोड़ सकते हैं। इसी के साथ ये बात भी समझना महत्वपूर्ण है कि अगर ये चारों आयाम महत्वपूर्ण हैं तो इनका सही वरीयता क्रम क्या बनता है, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या बनता है, इनको व्यवस्थित कैसे करना बनता है, और आज की स्थिति परिस्थिति में ये समीक्षा करके भी देखें कि हम अपनी ज़िंदगी में इनका वरीयता क्रम कैसा बना रखें। इस समझ, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, इन चारों में आज के दिन प्रधान रूप से हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा फोकस कहाँ है, इसका जांच परख करके देखा जाए। दूसरा ये कि संपृक्तता की अभिव्यक्ति के तहत इकाई का क्रियाशील होना, नियंत्रित होना और परस्परता में पहचानना, निर्वाह करना, इसको जांच परख करके देखा जाए। कुछ इकाइयों के संदर्भ में ये बात देखी जाए कि उनमें क्रियाशीलता किस रूप में अभिव्यक्त हो रही है, उनका व्यवस्थित होना कैसा दिखाई दे रहा और उनका परस्परता में पहचानना, निर्वाह करने के तहत किन किन क्रियाकलापों को वो कर रहे हैं, इस बात की जांच परख करके देखी जाए। अगली कक्षा में हम लोग नित्य वर्तमानता को थोड़े और विस्तार से समझने का काम करेंगे। धन्यवाद।